एवरीवन, नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं भुट्टे की आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसकी मैं कोई रेसिपी नहीं बना रही हूँ, बट इसे हमें घर में कैसे पका के यूज करना है, बस मैं यही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ छोटी सी बातें। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ली हमें छिलके वाली, तो इसे छील लेना है कुछ इस प्रकार से। इसका सारा ये जो है ग्रीन वाला छिलका, इसके सारे को हटा लेना है हमें अच्छी तरह से। तो इसके फ्रेंड्स देखिए इस टाइप से, और ये वाली जो है सारी इसको निकाल के अच्छे से हम साफ कर लेंगे। देखिए इस प्रकार से, और ये जो है बस तोड़ देंगे इसको। देखिए साफ हो गई है, उसी प्रकार से पकाना है। तो मैं इसको भी साफ कर देती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों भुट्टों को अच्छे साफ कर लिया है। आप इसे चाहे प्रेशर कुकर में भी 2 सीटी लगा के इसे पका कर और खा सकते हैं, तो वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है उबाल के। और यहाँ देखिए, इसके लिए मैं ली हूँ 2 ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च, आधी नींबू कट करके, और थोड़ी सी ये काला नमक है। तो मैं गैस पे पका रही हूँ, तो गैस को मैंने जला लिया है। गैस का फ्लेम यहाँ मैं मीडियम रखी हूँ, ज़्यादा ना रखें। और यहाँ रोटी फुलाने वाला जो रहता है वही मैं रखी हूँ उस पर जाली। आपके पास स्टैंड है तो आप स्टैंड में आराम से कर सकते हो। तो मैं इस पर रख दी हूँ, और भुट्टे को देखिए मैं उलट पुलट करके पका रही हूँ। आपको भी इसी प्रोसेस में पकाना है, और आप गैस का फ्लेम को तेज ना करें। उससे क्या होगी, हमारे ऊपर से जो है भुट्टा पक जाएगी, लेकिन अंदर से वो कच्ची रह जाएगी। और इस प्रकार से आप मीडियम रख के पकाएंगे तो अच्छी तरह से घुल के पकेगी। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है फ्रेंड्स, और हमारे सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अगर आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो मेरी पसंद आती है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो सब्सक्राइब कर चुके हैं, प्लीज़ वो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इसी प्रकार से भुट्टे को पका रही हूँ। तो ये हमारी पक गई है। अब मैं गैस का फ्लेम यहाँ बंद कर दी हूँ, और यहाँ आ गई हूँ मैं, कपड़ा रखी हूँ, कपड़े पे मैं रख दूँगी भुट्टा को। इस पर मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। इसी प्रकार से मैं इसको कपड़े से लेके साफ़ कर लूँगी। इसमें जो ये काला कालापन रहते हैं तो वो हट जाएंगे। और ये अगर हम साफ़ नहीं करेंगे तो जब हम खाएँगे तो हमारी क्या होती है, होठों में लग जाती है। तो इस तरह साफ़ करने से अगर हम खाएंगे तो होठों में नहीं लगेगी, ना मेरे हाथ गंदे होंगे। तो बट मैं इसी प्रकार से साफ़ कर ली हूँ, और आप इसे 5 मिनट तक चाहें तो कॉटन कपड़ा में उसी प्रकार से इसको मोड़ कर भुट्टे को और रख दें, गर्म रहेगी। तो इसमें मैंने काला नमक जो रखा हुआ था वो लगा रही हूँ। आप काला नमक के जगह सादा नमक भी यूज़ कर सकते हो। और नींबू को मैं अच्छे से इसमें लगा दे रही हूँ। आप नींबू में भी नमक डाल के इसमें इसी प्रकार से घस सकते हो, इसी तरह से लगा सकते हो। यहाँ थोड़ी सी नींबू में नमक में डाली हूँ, क्योंकि मिर्ची के साथ सर्व करने के लिए। और आप अगर तीखा खाना पसंद करते हैं तो, और ये भुट्टा और ये मिर्ची साथ में खाएं, नींबू नमक वाली मिर्ची मिक्स और ये भुट्टा। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए किस प्रकार से पकी हुई है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, आसानी से ये दब रही है, तो ये हमारी पक गई है। और हमारे खाने वाले जो भुट्टे आते हैं तो वो कुछ इस टाइप से आते हैं। देखिए ये वाइट वाइट लग रही है देखने में ना, जो होता है ना कि सर्फ हो जाते हैं, वो पक जाते हैं भुट्टे, तो वो येलो येलो कलर की हो जाती है। तो उस भुट्टे को आप बिल्कुल भी ना सर्व करें इस प्रकार से पका के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। बाय बाय, टेक केयर।